सेफ जर्नी, नाना बू को मेरा सलाम कहना। ले जा, चलो चुको जूती ट्रॉली ते ले लो। शादी के लिए और दुआए खैर के लिए, मेहंदी के लिए, तो रेडी रहे आप लोग इन सारे इवेंट्स के लिए। जबरदस्त चीजें हैं यहाँ पे, देखें ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम जी वीरन वीरनियों, की हाल है? तुसी ठीक हो जी? आज साडा बुआ खड़किया सवेरे, असी खोलिया ते बाहर सी पोस्टमैन, और वो ये लेके आया था बेटी के ये बोर्ड है जिहड़े शादी ते मेहंदी ते दुआए खैर ते इस्तेमाल होने ने। ये बहुत ही प्यारी हैं जवेरिया, इनका मैं पेज टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन्होंने ये डिज़ाइन करके मेहंदी का, दुआए खैर का, शादी का ऐप भेजे ने उन्होंने, और बड़े खूबसूरत सन। एक स्पेशल जी फील आंदी ना। कौन आया है? ए देखो आ गए जे मेहमान। ये देखें, ये ना हैंड लगेज पूछने आई। आ गई या खलो जा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ। स्कूलों आए? नहीं, स्कूल चले हैं। खुशबू का दी खान दी ए वेखा बना दी पईया, ये बना रही हूं। तू मेरी तैयारी वेख, एदे च मेरा सामान उंजे पिया है, अभी तक हैंड लगेज खुला नहीं है। इंज लै जाओ बंद पाकिस्तान है। खैर करिए से जाना है, वे सेफ जर्नी, नाना बू को मेरा सलाम कहना। जुतियां वेखो नी, जुतियां ट्रॉली लभन, जुती ले जा ले जा। नो कोई नी, कोई नी, मैं तो नहीं जाना, मेरी जुती नू ले जा पाकिस्तान। आहो, और तुझे चिट्टी भी वेख ले, ए भी बड़ी वधिया ही, सगो सफर च ए सही आ। ठंड तो नहीं लगेगी पैरां नू? लगेगी नहीं बंद जी, तेरे पैर ना सोज जान। नहीं नहीं, मेरे को जुतियां बथे, ए ला जा, चंगी है, ए चंगी है, सफर सफर च ना तेरे पैर भी नहीं सुजन गे। खाला कोल जुतियां दा खजाना जी, किसी ने खानी है, ए वाली चंगी है, आहो ए भी चंगी है, स्मार्ट जुती आ, ओथे काम आएगी तेरे। चक्कर चढ़े ने, चल ले जाओ जेड़ी खड़नी जाए। चलो उठाओ जूते, उठा भाई, ले जाओ ले जाओ। पाकिस्तान जुतियां पापा की शॉपिंग मार आए तो अच्छा, ले ले जा, सीबीसी बूम बम, अभी ले जाओ, अभी ले जा, चल जा, चल ले जा, अभी ले जा। मेरे वालों तेरियां हुई हैं जुतियां, जुतियां तेरियां हुई हैं। चल, हैव अ सेफ जर्नी, ते वधिया वधिया ट्रिप करियो। इना की वीडियोस आपने फिर पता तुसी वेखने ही ओदियां ने, हुण खूब देखना, खूब एंजॉय करना, मनोरंजन होगा। है मेरी भैन नाल जुतियां चंगियां ने, मैं कहता तू सारियां ले जा भाई। मुझे ना जूता ट्रैवल में चाहिए होता है कंफर्टेबल। हां तो हुन तो किथों लेन जानियां ने इस वेले, हैं यही पावांगे, यही पावांगे, यही सूटा नाल पापा के फिरा के उधर सहारा ही ताज। चल ठीक है, तेरे घर जाइयो। हां चलो, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दरवाजा खोलो, ये देखें, ये होते हैं बहनों का हक ऐसे। चलो जी, बारिश देखें कितनी हो रही है, बहुत बारिश है, बहुत। बाय बाय, बाय बाय गर्ल्स, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जिंदाबाद। चलें जी, हिन्ना तो आई थी 2 मिनट के लिए और चली गई। बच्चों ने ते मेरे तो खैर काम सुन बहुत करने वाले, अब जाके देखती हूँ, थोड़ा सा बाहर भी निकलना चाहिए, फ्रेश एयर लगनी बड़ी ज़रूरी है, तो वो ही लगाने जा रही जी। मैं उम्मीद कर रही हूँ ताडे सारयां दे रोज़े बिल्कुल ठीक जा रहे होंगे, कोई गर्मी नहीं, कोई प्यास का एहसास नहीं, तो अल्लाह की बड़ी रहमत है जी। असी टाउन जा रहे सां, बच्चे भी नाल सन, मौसम वेख लो तुसी, बस इंज दा ही है।
पर मैं अज बड़े दिनों बाद बाहर निकली, बहुत दिनों बाद। टाइम ही नहीं मिलता घर के कम्मां च चीज़ां च, बंदा इंज हुंदा है कि बस जकड़िया गया। तो यह जी मैं बेटी ने कुछ लैना सी इत्थों, तो मैं क्या चल मैं भी थोड़ा जिहा फिर के जरा दुकाना ते वेख लवां, जरा दिमाग बंदे दा होर पासे पैंदा है। तो यह जी ज्वैलरी शॉप, इत्थे मैं पहले भी टाउन च आई हाँ, इत्थे मैं आई। इन्हां दी ज्वैलरी बड़ी सोहनी है, यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, यह उस तरह ही मैनू पसंद है। इन्हां दी वीडियो कहनी हाँ, इन्हां दीआं चीज़ां यह मैं इत्थे जावां तो मैं अक्सर इत्थे जानी हाँ, और इत्थों मैं पाकिस्तान जाण तो पहले भी ज्वैलरी लई सी। इन्हां दी ज्वैलरी बड़ी सोहनी है। तो जी जिहड़ी लेडी इत्थे है बड़ी अच्छी है, यह मैनू चीज़ां कढ कढ के विखांदी है कि यह वेख यह भी चंगी है, यह वेख यह भी चंगी है। यह कुड़ियां इहो जिहियां चीज़ां पाउंदियां ने, तो यह वाली चूड़ी भी मैनू बड़ी चंगी लगी, डिफरेंट स्टाइल से बड़िया सोहनिया चीज़ा सन। हुण तो बहुत सारिया शॉप्स बंद हो गई ने, इन्ने इन्ने सोहने स्टोर इत्थे बंद हो गए ने, बिजनेस नहीं चल रहे लोगों के, तो बस ए छोटे छोटे स्टॉल्स ते चीज़ा जी नज़र आंदियां। And Babasha, we've got new scarves for you. Yeah. In your lovely green color you like. Okay. These ones are new in. Oh, this is pretty. The pearls ones as well. Yeah, very nice. देखा आपने कितनी ज़बरदस्त ज्वेलरी है, और एक कल रेडिंग में आप आए यहाँ और ट्राई करें, मुझे तो सारी अच्छी लग रही है। I like this one. This green one is nice. ये भी अच्छा है. Bracelets, very good. She liked these ones. The green, yeah. They are beautiful. ये वाले थे। ये मैंने लिया था ना। The one, the green one on the rope chain. Okay. Over there on the other side. Okay. वहाँ पे I like them. वो गई है अभी लेने, एक और अभी लेने गई है, अभी आती। ये देखें जी, wow, beautiful. Stunning colors. Yes. Very nice. You know, if I take one, I might take the red one now. The red one is nice. Yes. Yeah. Gorgeous, sparkling, eye-catching. Yeah? Okay, thank you. चीज़ा वेख वुख के जे असी आए वापस, फिर किसी होर दिन जावांगी लैण, फिर तुहानू दसांगी मैं इत्थों की लिया। तो आलू बैंगन जिहड़े ने लंबे लंबे बैंगन है, इंज कट्टे सन हांडी, मैं क्या पहला पका लिए इफ्तारी बनाने तो पहला। तो जी यहाँ पे आलू बैंगन जो हैं ये काट के रखे, बस सिंपल मसाला बना के उहदे च बस पा के रख दिते। पानी मैं विच पाता क्योंकि मैं ऑयल थोड़ा पाया सी, आलू तो बैंगन गल जाण। तो जी बड़ी मज़ेदार जिहड़ी साडी हांडी पक्की सी, तो शामी हुण इहदे नाल पकणगियां रोटियां, और रोटियां नाल असीं इंजॉय करांगे। तुसीं भी बनाइयो, विच हरियां मरचां पूरियां बड़ियां ही सोहणियां लगियां सन। तो अगों जी होण लगी जी हुण इफ्तारी दी तैयारी। बस इत्थे तैयारी होण लगी है, पफ पेस्ट्रियां मेरे पास, मैं क्या जल्दी से उसके साथ कुछ बनाऊँ। और बस मेरी वीडियोस काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट ही आनगियां, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता पाया बनाउण दा। आपको पता है बेटी का काफ़ी मसरूफियत है, बिजी है, दिमाग नहीं लगता किसी चीज़ च। तो जो भी थोड़ा बहुत बनाऊंगी, अभी ये बनाने लगी थी सारा दिन, तो बस चीज़ों फाइनलाइज करन च निकल गया। तो अब बनने लगा है ये पफ पेस्ट्री के साथ, तो हले कीमा थोड़ा जहा बचाया। मैं कचौरी भी बनानी सी, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि इसके अलावा मैं और क्या बना सकती हूँ ना इफ्तारी में, तो वो ही फिर बनाने। तो चलो स्टार्ट करने हैं फिर। ये शिमला मिर्चें काटी हैं, यह थोड़ा जहा कीमा है, जिंजर गार्लिक हमने इसमें कूट के, अरे बेड़ा तर गया, हाय हाँ अगे इतने बड़ा कि कम सौखा हों पाया, होर ही औखा हो, खलारा पै गया जे थले। बस जी अज कल ते ना पुछो चीज़ां हत्थां चो डिगदियां पईयां ने। इत्थे जी मैं पा लिया तेल, इहदे च पाया जिंजर गार्लिक। ये यहाँ पे जी तैयारी हो रही है जो मैंने पफ पेस्ट्री बनाना ना उहदे मिक्सचर दी। ते कीमा कोई 500 ग्राम कीमा सी, वह मैं इहदे च इस तरह करके चंगी तरह भुन लिया। शिमला मिर्चां विच पा लईयां, वह भी फरिया क्लिप पहला ही हो गया। फिर मैनूं याद आया कि बंद गोभी पई है, मैं क्या वह भी ये विच मैं थोड़ी जी पा लवां, वह भी असी कट लई। और इनू कीमे नू बड़ा सोहना भुन लैना, थोड़ा जिहा विनीगर विच पाया, विच मैं थोड़ा जिहा सोया सॉस भी पाया, कालियां मिर्चां भी पाइया, और बंद गोभी डाल के आप थोड़ी सी जो है चिली सॉस भी ऐड कर दें, तो कैचअप भी थोड़ी जी विच पा दिओ। तुसी जिहड़े पूरी तरह पक जाए फिर तुसी कॉर्नफ्लावर एक पा लो, एक टेबल स्पून उहनू पानी च थोड़ा जिहा मिक्स करके, तो बस जी उसको आप इस मेज़े के ऊपर डोल दें,
और एन ये ना जुड़ेगा बड़ा सोहना और इधर उधर चीज़ा तड़िया जानगियां नहीं तो मैं ठंडा होने वास्ते रख दिता इतें जी पफ पेस्ट्री तुसी कोई भी लै लो अच्छी जिदी हलाल वाली होए वह लैके तो यद ग्रीस प्रूफ पेपर जो लगा से ना वो उत्ते ही मैं उल्टा लिया इस तरह इस तरह ये ना चार मैं इस तरह ला के लैना जी डब्बे जब बना ले तो मेरी डेफिनेशन वेखो जरा रैसिपी दी है तो इस तरह चार चार तुसी राल बना के की कहते हैं खाने वे एक एक चमची है जो मिक्सचर बनाया सी ए तुसी पाई जाओ फिर ताड़ी मर्जी है तुसी चीज़ जी थोड़ी जी वह भी ये उत्ते ला दो ये ना बहुत मज़ेदार जड़ा ना वह टेस्ट बनता है इस तरह थोड़ी थोड़ी जी उत्ते ला के बस फिर एक कोना जड़ा है वह तुसी फड़ना है साइड तो एक कोना दूजे कोने वे मिला देना तो लो जी बड़ा ही वधिया ये इस तरह डिजाइन बन जाना सारे तुसी इस तरह हौली हौली फड़ के इस तरह तुसी सारे ला लो और बड़ा शानदार वेखो साढ़े बन गए उ तुसी पेपर चुकना पेस्ट्री वाला तो तुसी ये ट्रे च रख देना ओवन वाली च लो जी रेडी हो गया इस स्टेज पर तुसी अंडा फेंट के लाना साडा जी अंडा मुक गया असी तो मैं इनू इंजी फिर रख दिता मैं क्या आएगा तो ला दाँगी बाकी दे कीमे च जिहड़ा बचिया आलू पेस्ट मैं क्या मैं एक होर रैसिपी बनावा टोरटीला रैप दे उत्ते ला के ए जी मैं आलू इस तरह ला के मैं क्या ना मैं रोल जिस तरह पराठा नहीं बनाती उंज करके ना मैं इनू फ्राई करांगी पर अज की रैसिपी को तुसी कुछ सीखना है कि जिंदगी असी जेले कोई काम बड़े ही प्यार नाल शुरू करने बड़े शौक नाल शुरू करने और लगता सानू इंजे कि यह बेहतरीन होएगा बड़ा वधिया चलेगा और कई बार बंदा इंजो हो जाता कि वह उन्हूं रस्ते च छड्ड भी नहीं सकता वह फिर जो जो हुंदा अगे अगे वह भुगतना पैंदा जिस तरह मैं रैसिपी भुगतनी है तेल गर्म होया तो मैं वो रोल पा दिते भी जिले पाए रोल तो खुल गए सारे रोलों की पार्टी वक्री आलू की पार्टी वक्री तो बंद गोभी की पार्टी वक्री पर मैं उन्होंने इतों छड़ नहीं सा ना सकती मैं इतों सारा ये कढ़िया तेल दे छाननी सारा छान लिया जो सब्जियां तर दियां पईयां सन तो यह समोसे जोड़े मैं कल बनाए सन छे समोसे मैं रख ले सन वह मैं फिर वह भी फ्राई कर ले तो इतने जी मिक्सर जो मैं फ्रिज रखिया फ्रिज आए हाए ओवन च रखिया मेरे हसबेंड फिर हूँ लैके आए सन अंडा तो मैं क्या चलो जी मैं उत्ते हूँ अंडा ला के इन्हें दोबारा रख देव ओवन च तो बड़ा सोहना तैयार हो जाएगा तो वेखो जी साड़ी पेस्ट्री किन्नी शानदार बनी तो जी रैसिपी खराब हुई वो सीख सानू यह मिलती है कि जिंदगी ना घबराना नहीं चाहिए मुश्किल मुसीबत बंदे तो आ जा उन्हों बड़ी ग्रेसफुली उन्हों तुसी बर्दाश्त करो उस चैलेंज नू ते रोना पिटना ना मचाओ बस उन्हों करो मकाओ ते मूव ऑन जिंदगी च इस रेसिपी से हमने आज ये सीखा है और वैसे भी कोई परफेक्ट नहीं हुंदा चीज़ा खराब कर करके बंदा ठीक बनांदा है ते इत्थे जी फिर शाम दा टाइम हो गया सी ते मैं क्या चलो हुण अफतारी हो गई सारी वह भी क्लिप कोई नहीं बनिया बस मैं तुहानू कहा ना मेरा दिमाग अज कल इंजी है तो सीधा जी असी आ गए रोटियां ते शाम दे खाने ते ते इत्थे मैं लगता लाइव भी ऑन कीती सी लाइव ते जा के फिर मैं रोटियां पकाइयां ते जिहड़े सारिआं नाल गल हुंदी है ना लाइव ते वह भी बड़ा चंगा लगता है कि पता ही नहीं लगता कि मैं उन्हां लोकां नाल गल कर रही हाँ जिन्हां नूं मैं जानदी नहीं या जिन्हां नूं मैं कदी वेख्या नहीं कि उन्हां नाल गल करदिआं करदिआं इंज लगता जिवें उह तुहाडे बहुत अपने ने तुहाडे बहुत वैल विशर ने हाँ मैं ये कहनी हाँ कि साड़ियाँ जिहड़ी परसनल लाइफ है जिहदे बारे च असीं नहीं दसना चाहते वो साड़ी मर्जी है पर तुसीं कई वारी बहुत प्यार नाल बहुत उहदे नाल पुछदे हो लेकिन मेरे वालों माजरत है कि मैं कुछ चीज़ां नहीं दस सकती वो शायद मेरे बच्चों नूं पसंद ना होए या हसबेंड वालों इजाजत ना होए पर तुसीं मैनूं दुआवां च याद रखियो तुहाडा प्यार मैं बहुत एप्रीशिएट करनी हाँ तुसीं जिस तरह मेरियां वीडियोज़ पसंद करदे हो मैं उन्होंने भी बहुत एप्रीशिएट करनी हाँ तो जिंदगी दे किसी मौके पर जिहड़ियां चीज़ां तुसी वेखना चाहते हो मेरी बेटी दे हवाले नाल भी शायद मैं थोड़ा बहुत तुहाडे नाल शेयर कर सकां उन्हू मना मनू के है कि भाई तेरे सारे इन्नियां तेरिया मासियां तेरिया है मावां मेरे वर्गियां तेरिया आंटियां भी सारियां इन्ने प्यार नाल तेरे बारे च दुआ कर दियां ने तेरी वीडियो तेनू वेखना चाहते हैं तो चल थोड़ा जहा साइड तो ही
ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇਈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਗਰਮ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋਏ, ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ये प्रो कुक से मैंने लिया था और ये बड़ा सॉलिड है और रोटी एडी वधिया बेली जाती है ना इहदे नाल, बहुत अच्छा है ये। तो ये आप वहां से ले, बड़ी जबरदस्त जड़ी है ना वो रोटी बेली जाती है। भाई आपने मेरी समोसों वाली वीडियो इतनी पसंद की, वो वीडियो इंस्टाग्राम पर भी बहुत हिट गई है, 400K क्रॉस कर गई है और टिकटॉक पे भी बहुत ज्यादा। ओके जी, इसके साथ ही दें इजाजत, मिलूंगी फिर, अल्लाह हाफिज़।